हर कोई चाहता है, हर सिंगर इस चीज़, इस सवाल का जवाब चाहता है, इस सवाल के लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ टिप चाहता है कि वो कर ले और उसके स्वरों में एक एक पक्कापन आ जाए। एक सा लगाया है तो सा ही लगे, है ना, रे लगाया है तो रे ही लगे, और वो लगे भी रे और टिके भी रे और छूटे भी रे पर ही। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। स्वरों को पक्का करना, स्वरों को स्पष्ट लगाना। सबके मन में ये सवाल रहता है कि स्वरों को सटीक कैसे लगाया जाए और स्वरों में स्थिरता कैसे लाएं, स्वरों में गहराई कैसे लाएं। हर कोई चाहता है, हर सिंगर इस चीज़, इस सवाल का जवाब चाहता है, इस सवाल के लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ टिप चाहता है कि वो कर ले और उसके स्वरों में एक एक पक्कापन आ जाए। एक सा लगाया है तो सा ही लगे, है ना, रे लगाया है तो रे ही लगे, और वो लगे भी रे और टिके भी रे और छूटे भी रे पर ही। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वर की जो बॉडी है उसमें, यानी उस स्वर का पहले लगना, है ना, कि जब आप सा लगाए तो सा, ना कि सा या सा, है ना, ये कि स्ट्रेट सा लगा है, ना कि नी का स्पर्श लेकर, ना कि रे का स्पर्श लेकर, हमने सीधा सा लगाया है। ये है स्वर का लगना। फिर सा पर टिकना, सा, ये टिक रहे हैं, नहीं के सा, ये क्या था, हम टिके नहीं है, सा से हम कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं, और फिर उसको छोड़ना, सा, ये क्या किया, छोड़ा तो उतर गया, है ना, या सा, ऐसे हल्का सा ऊपर छोड़ दिया, है ना। तो ये पक्का हो, ये स्ट्रेट रहे, इसका क्या इलाज है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वरों को लंबा लंबा लगाने से स्वरों की गहराई आपको पता चलती है, उनका ये समझिए कि उनकी फ्रीक्वेंसी आपके जहन में ज़्यादा बैठती है बनिस्बत कि हम अगर उन्हें तेज़ी से लगाएं। तो अगर हम यही स्वर लगाएं, सा रे ग म प ध नि सा, तो ये एक फ्लो में हमारे लग जाते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, ये एक बहाव है स्वरों का जिसमें कि हम वो लगाते हैं। अब यही मैं बोलूं, सा सा म प नि रे ध ग, ये लगाने को कहूं तो दिक्कत आ जाएगी अभी, कि कूद फांद के कैसे लगाए स्वर, और सा से डायरेक्ट सा लगाए, सा से डायरेक्ट नी लगाए, नी से सीधा ध, ध से सीधा ग, ये कैसे लगेगा, है ना, ये कैसे मुमकिन होगा। तो इसके लिए स्वरों को स्लो मोशन में हमें समझना होता है। जब उनको स्लो स्लो इत्मीनान से हम समझ लेते हैं, अपने आप वो गहराई, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ बैठ जाती है। फिर सा के बाद नी लगाना हो, नी के बाद रे लगाना हो, रे के बाद ग लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, सा सा ग म ध नी रे नी ग म म ध रे नी सा ग म नी सा ध ग म रे म प ग म नी सा, फिर कैसे भी आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है सारे गामा बाधा नहीं सा, ऐसे जाए तभी लगे। और वो क्यों मुमकिन, कैसे मुमकिन होगा, जब आप लंबे लंबे स्वरों का रियाज करते हैं, जैसा कि स्वर विस्तार का रियाज होता है, उसका रियाज जब आप करते हैं तो उसमें एक एक स्वर बहुत लंबा लंबा आप लगाते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें गति बनाते हैं, तब जाके आपको गति में भी स्पष्ट लगते हैं। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जब रियाज कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर थाट का, और उसमें अगर अलंकार गा रहे हैं, तो स्वरों को स्पष्ट लगाने की कोशिश करें, न कि मीण, कण या गमक के थ्रू, नहीं लगाना है, कोशिश कीजिए सीधा सीधा लगे। फिर क्या होगा, जब इत्मीनान विलंबित गति में जब वो सीधे सीधे लग रहे होंगे, फिर अपने आप जब स्पीड बढ़ जाएगी तो वो स्पष्ट लगेंगे। अगर आपकी पहले ही आदत है सपोर्ट से स्वरों को लगाने की, है ना, सारे गा सा सा सा
सा को भी मैंने नी के स्पर्श से लगाया, पधा, ध को लगाया तो मैंने निषाद ले लिया, पधानी सा। यह है स्पष्ट लगाना, सीधा लगाना। जब ऐसे लगाते हैं तो स्पीड में भी अपने आप वो स्ट्रेट लगेंगे, है ना। वरना आपकी स्पर्श की आदत क्या होती है, जैसे ही स्पीड में आते हैं तो वो स्पर्श तो उतनी जल्दी से हो नहीं पाएगा, वो कण इतनी जल्दी लग नहीं पाएगा, फिर वो बेसुरा लग जाता है ना। तो वहां बेसुरापन बचाने के लिए, स्पीड में उसको बचाने के लिए, स्वर वहां पक्के करने के लिए, इत्मीनान में जब आप लगाते हैं, स्लो में जब आप लगाते हैं, विलंबित में जब आप लगाते हैं, तो सीधा सीधा स्वर लगाने की कोशिश करें और लंबा लंबा लगाने की कोशिश करें। कम लय का अभ्यास स्वरों में बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब अलंकारों का रियाज करने बैठे हैं, उसमें ठादुगुन करते हैं, तो कम लय से शुरुआत कीजिए, ना कि सीधा आप सारे गामा। इससे शुरुआत करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम सारे, इस लय से आप जब शुरू करते हैं, भले ही तानपुरे पर करें, हारमोनियम पर करें, पर इस लय से या इससे भी कम लय से, है ना, 30-40 के बीपीएम पे, बीट पर मिनट, जो अगर मेट्रोनोम के साथ करते हैं, अगर तबले के साथ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, अगर ये बीपीएम अगर लगा के करते हैं, तो आप उसके बाद बढ़ाएं गति तो समझ भी आता है, मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए कम से कम, है ना, यहां से अगर आप रियाज करना शुरू करते हैं तो। ठीक है, तो स्लो लगाइए और जितना हो सके लंबे स्वरों का रियाज कीजिए, अपने आप स्वरों में पक्कापन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड की वीडियोज को, एंड रियाज कीजिए और सीखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड से। सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।